अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक प्रोजेक्ट बस सवाल सिस्टम से, जो कि मोस्ट कॉमनली दुनिया में तो यूज़ हो रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान में और ख़ास सैड एरियाज़ में डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारे पब्लिकली और जो एजुकेशन इदारे हैं उनको सहूलत मिल सके, इजीली टू एक्सेस हो सके उन्हें। तो हमने अपने सिस्टम का नाम रखा है ऑफिस बस सिस्टम, और जो कि हमारी कंपनी बिलोंग करती है ऑफिस एंड खलीफा बस सिस्टम के नाम से। तो हमारे पास मतलब लॉगिन आ जाता है ऑप्शन और साइन अप आ जाता है ऑम अबाउट। तो लाजरी जैसे कि कॉमनली बात है, साइन इन ऑप्शन लॉगिन ऑप्शन जो है वो आपने लाजमी बात है आपने रजिस्टर किया होगा, तो फिर उसके बाद ही आप लॉगिन हो सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि साइन अप ऑप्शन हम जैसे कि जानते हैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो भी उस सिस्टम में इंटर होना चाह रहे हैं उसके लिए मस्ट होता है कि वो अपनी एंट्री करवाए, उसके बाद लॉगिन हो सके। तो हमारे पास आ जाता है यूज़र इंफॉर्मेशन। यूज़र इंफॉर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खलीफा डाल देते हैं, हम पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड। देख रहे हैं आप नाज़रीन कि यूज़र रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड, मतलब यह है कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुका है आपके सिस्टम में और नाउ एज अ लॉगिन और आपके सिस्टम में इंटर हो सकता है। तो हम साइन इन ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हमने नाज़रीन आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन में हमने यूज़र जो डाला था खलीफा डाला था और पासवर्ड हम ऐड कर लेते हैं इसमें। देख रहे हैं आप नाज़रीन जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन की थी एज अ लॉगिन अब खलीफा हो चुके हैं। इसमें हमारे पास बुक सिस्टम, मतलब आप जो हमने बस बुक करनी है उस हवाले से हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल करनी है व्यू ऑल बुकिंग्स आ जाती हैं। और उसके बाद अगर हम इसको लॉग आउट कर लें और वापस कम बैक टू साइन इन ऑप्शन पे आ जाए और एज एडमिन अगर हम लॉग इन करें तो एडमिन है हमारे पास ऑफिस, पासवर्ड हम ऐड कर लेते हैं। देख रहे हैं नाज़रीन साइन यूज़र के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन है और एडमिन के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहा है। हमारे पास ऐड न्यू बस सिस्टम है, शो ऑल बसेस, शो ऑल बुकिंग सिस्टम, शो ऑल कैंसिलिंग, डिलीट बस, फाइंड बस, मतलब ऐड न्यू बस में आप न्यू बस ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर यूनिवर्सिटी के हम एग्जाम्पल ले लें, कोई भी यूनिवर्सिटी की, तो मतलब हम बस ऐड करना चाह रहे हैं, हमारे पास न्यू बसेस लॉन्च हुई हैं और तो हम इसे न्यू ऐड कर सकते हैं। शो ऑल बसेस, बसेस को हम शो कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ बसेस हमारे पास, आप देख रहे हैं कि उनकी नेम दिखाया गया और उन्हें सोर्स दिखाया गया, डेस्टिनेशन कि टाइम किस टाइम जाएंगी, उनकी क्या कीमत होंगे, नंबर ऑफ सीट्स मतलब नंबर ऑफ सीट्स रिमेनिंग, मतलब ये ओवरऑल हमारा मतलब जो बस का सिस्टम है, मतलब उसमें बस का नाम दिखाया जाएगा कि उसके ड्राइवर का नाम क्या है, सोर्स कहाँ से चलेगी, डेस्टिनेशन क्या होगी उसकी, और टाइम कितने बजे रवाना होगी, कितने बजे, और उसके नंबर टोटल नंबर सीट्स कितने होंगे और कितने सीट्स रिमेनिंग होंगे। इसमें मतलब आप लास्ट में देख सकते हैं इंटर आईडी टू बुक, मतलब आपने कौन से बस के आईडी, ये हमारे पास आप देख रहे हैं आईडीज मौजूद हैं, इनको आप ऐड करके यहाँ हेड करके और फिर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर आप बुक कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद शो ऑल कैंसिलिंग, मतलब एक एडमिन कुछ देख सकते हैं हम कि शो ऑल कैंसिलिंग कैसे, कि मतलब हमने जो जो कैंसिल किया हो हमें दिखाया जाए, और बस कि बस ख़राबी क्या हो सकती है, और उसके बाद फाइंड बस है हमारे पास। तो हम एज एडमिन लॉग आउट होते हैं यहाँ पे। तो हमारा प्रोजेक्ट इस हवाले से कि मतलब स्टूडेंट्स को एक सहूलत फराहम किया जाए, स्पेशली अगर हम टैग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात होती हैं,
स्पेशली फीमेल्स को। हम मतलब कमिंग सून आपके कमिंग वीडियोस में एक भी बनाएंगे, उसमें मतलब आपको दिखाया भी जाएगा कि ड्यूरिंग यूजिंग ऑफ जीपीएस, कि जीपीएस को लोकेट करते हुए कि स्टूडेंट्स कैसे देख सकते हैं कि बस कहाँ पे पहुँची और कितने बजे यहाँ पहुँचेगी, और मतलब उससे रजिस्टर और इससे देख सकेंगे अपने राउट्स रूटीन्स के वगैरह।